किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार बसाने की योजना पर अमल शुरू, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का चयन। आयुष्मान भारत योजना के तहत आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में 650 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज किसान रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने गन्ना किसानों की भलाई के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जो उत्पादन लागत का 80% से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीनी पर आयात शुल्क 100% लगाकर 20 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से चीनी मिलों को गन्ने के बकाए भुगतान में देरी का कोई बहाना नहीं मिलेगा और किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। दिल्ली में बैठी हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, हम सबके लिए, किसान हिंदुस्तान का गांव, ये हमारी प्राथमिकता है। यही कारण है कि देश के करीब 5 करोड़ गन्ना किसान परिवारों के हित में हाल में अनेक फैसले लिए गए हैं। आपको आपके गन्ने का पूरा बकाया जल्द से जल्द मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। चीनी के आयात पर 100% शुल्क लगाया गया, 20 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दे दी गई, चीनी के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया ताकि चीनी मिल में नुकसान का बहाना न बना पाए। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 14 फसलों के सरकारी खरीद मूल्य में 200 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि शहरों को भविष्य के हिसाब से विकसित करने और बसाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य की राजधानी रायपुर का चयन किया गया है। उन्होंने नया रायपुर स्थित मंत्रालय में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग देगी। श्री मिश्रा ने कहा कि शहरों में पेयजल, सड़क और जल विकास के स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा किया जाए और नए कार्यों के लिए कार्य योजना बनाई जाए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने बताया कि प्रदेश के 158 शहरों में 50 करोड़ की लागत से मिशन निर्मल सिटी परियोजना चलाई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में 650 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गरीब परिवार के मरीजों के इलाज के लिए 36 प्रकार की दवाइयां और 10 प्रकार की आवश्यक किट शुरुआत में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अभी 12 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है।
इसके अलावा प्रदेश के 135 मॉडर्न हेल्थ सेंटर में टेलीमेडिसिन के लिए प्रशिक्षण की तैयारियां भी की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजापुर जिले के जांगला से राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव की पार्थिव काया आज पंचतत्व में विलीन हो गई। कोरिया पैलेस में डॉक्टर सिंहदेव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी भतीजी अंबिका देवी ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस मौके पर हजारों लोगों ने डॉक्टर सिंहदेव को नम आंखों से भावभीनी विदाई दी। गौरतलब है कि डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का 20 जुलाई को रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। कल उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से कोरिया जिले के बैकुंठपुर लाया गया, जहां उनका आज अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत, संसदीय सचिव चंपा देवी पावले सहित अनेक गणमान्य नागरिक और मध्य प्रदेश के भी कई विधायक मौजूद थे। राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने रामचंद्र सिंहदेव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंहदेव के निधन से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ग्रामीणों से ज्यादा फलदार पौधे लगाने और उनकी अच्छी देखभाल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत भ्रमण पर आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव की खाली जमीन पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा पौधे और उसकी सुरक्षा के लिए मदद दी जा रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने रायपुर, भिलाई, दुर्ग और राजनांदगांव के नगर निगमों में अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्व सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। श्री मिश्रा ने भिलाई में निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने अधिकारियों से कहा है कि ग्रामोद्योग नीति के अनुरूप रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। श्री मोहिले ने मंत्रालय में रेशम विकास, हस्तशिल्प, माटी कला बोर्ड और ग्रामोद्योग बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के दौरान हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालयों में 12वां स्थान प्राप्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये रैंकिंग कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर जारी की है। गौरतलब है कि देश भर में 72 कृषि विश्वविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में निशुल्क पेसमेकर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 133 मरीजों के पेसमेकर की जांच की गई। गौरतलब है कि पेसमेकर लगने के बाद इसकी नियमित जांच जरूरी है, जो कि प्रत्येक 6 माह अथवा 1 वर्ष में होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत दादापारा उरकुरा सेक्शन के बीच 22 और 29 जुलाई के अलावा 5, 12, 19 और 26 अगस्त को अप, मिडिल और डाउन लाइन में अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इन तारीखों पर सवारी गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। हालांकि रेल यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अपग्रेडेशन के कार्य तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। कोरबा जिले में हुए आज एक सड़क हादसे में 15 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इनमें से 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय के छात्र कलमी डुग्गू से एक वाहन में सवार होकर रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। इस दौरान सिंचाई कॉलोनी के पास स्थित पुल के ऊपर पहुंचने पर स्कूली वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा। हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 5 जिलों के संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने रायपुर और नया रायपुर के अनेक स्थानों का भ्रमण किया। सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर, कांकेर और सुकमा से आए करीब 300 प्रतिनिधियों ने अपनी समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुभव एक दूसरे से साझा किए। इसके अलावा इन सदस्यों के लिए प्रशिक्षण सत्रों और सामूहिक चर्चा का आयोजन भी किया गया है। जगदलपुर विकास खंड के मांझीगुड़ा स्थित उच्च प्राथमिक शाला को राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने यह पुरस्कार विद्यालय के प्रधान अध्यापक को प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने टोंकापाल और करमरी के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को भी पुरस्कृत किया। केंद्रीय जेल जगदलपुर के नए जेल परिसर में बीते दिनों 2000 पौधे लगाए गए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी के स्थापना दिवस के अवसर पर कंपनी के सदस्यों और जेल के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया गया। और आइए अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आज से भिलाई में शुरू हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश मसीह ने किया। इस मौके पर श्री मसीह ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से सितंबर माह में दल्ली राजहरा में होने वाली राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की टीम का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा इसमें रुचि ले रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यह भी यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, इसके बाद में हमारी जो 5 से 9 नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिता है, उसमें पूरे इंडिया से लोग आएंगे और वो राजहरा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही है और ये हमको आयोजन का मौका मिला है। सीनियर, सब जूनियर और मास्टर वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के करीब 350 बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन कल होगा। और डिजिटल इंडिया यानी एक ऐसा भारत जहां सूचनाओं और सेवाओं तक आपकी ऑनलाइन पहुंच हो। प्रदेश का माओवाद प्रभावित बस्तर एक समय पिछड़े क्षेत्र के रूप में गिना जाता था, लेकिन केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत मोबाइल कनेक्टिविटी और संचार सेवाओं के बढ़ती उपलब्धता से बस्तर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, लंबे समय तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा ये इलाका अब परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। देश के पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए मोदी सरकार का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यहाँ नई इबारतें लिख रहा है। बेहतर मोबाइल संपर्क और डेटा कनेक्टिविटी के लिए बस्तर में सभी 2G और 3G टावर्स के विस्तार का काम चल रहा है। क्षेत्र में 99 जगहों पर 2G और 218 जगहों पर 3G टावर लगाए जा रहे हैं। जैसे अपन कलेक्टर ऑफिस में जाते थे तो बैड कनेक्टिविटी के कारण बहुत टाइम लगता था, वो मतलब कम से कम कंज्यूम टाइम होगा और आदमी का काम जल्दी हो जाएगा। केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत दूसरे चरण में राज्य में 32,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी OFC बिछाई जाएंगी। इसके जरिए राज्य की 5,987 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और रायपुर में आज नवजात शिशुओं में होने वाली आंखों की बीमारी पर एक 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में नेत्र विशेषज्ञों ने रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी पर चर्चा कर उसके निदान और उपचार के बारे में जानकारी दी। सम्मेलन में किए जा रहे विचार विमर्श से नवजात शिशुओं को दृष्टिहीन होने से बचाया जा सकेगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 75 नेत्र चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि ऐसे नवजात शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं और जिनका रेटिना पूर्ण विकसित नहीं होता, उनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से नवजात शिशु के दृष्टिहीन होने का खतरा बढ़ जाता है। प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जन्म से पहले बच्चा पैदा होता है उसमें बीमारी होने की संभावना होती है, इसलिए इसमें पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के डॉक्टर, जो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं जो नवजात शिशुओं के डॉक्टर, और इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट जहां बच्चा पैदा होता है, इन सब का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम चाहते हैं कि वो सब हम मिलकर इस बारे में चर्चा करें और इसलिए पीडियाट्रिशियंस को भी बुलाया गया है और इसी उद्देश्य से इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और सम्मेलन का समापन कल होगा। इस दौरान 35 शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। और अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी
बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर बने कम दबाव की वजह से प्रदेश के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं कुछ एक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।